तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। रॉयल रंबल का WWE में बहुत बड़ा महत्व होता है। यह एक ऐसा PPV होता है दोस्तों जो फैंस के लिए काफी मजेदार भी होता है। हर साल जनवरी के टाइम इस PPV को कराया जाता है और यहां से रोड टू रेसलमानिया की शुरुआत होती है। साल 2020 का रॉयल रंबल ड्रू मैकइंटायर और शार्लेट फ्लेयर ने जीता था। मैकइंटायर ने बाद में लेसनर को चैलेंज किया था और रेसलमानिया 36 में मैकइंटायर चैंपियन बन गए थे। यह साल जाने ही वाला है और रॉयल रंबल 2021 का टाइम जल्द ही आने वाला है। ऐसे में रॉयल रंबल कौन जीतेगा 2021 का, चलिए जानते हैं आज मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं उन रेसलर्स के बारे में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। बिल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग भले ही बुजुर्ग हो गए हैं पर उनके शरीर को देखकर आप नहीं कह सकते कि यह बुजुर्ग हो गए हैं। इनके जैसा ताकतवर बॉडी आज भी कई युवा रेसलर्स नहीं बना पाए हैं। पिछले कुछ समय को देखा जाए तो मैट रिडल गोल्डबर्ग के पीछे ही पड़े हुए थे। पिछले साल भी देखा जाए तो गोल्डबर्ग को लेकर मैट रिडल ने कई ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे गोल्डबर्ग बड़े नाराज भी हुए थे और हमें लगता है कि यह टिप्पणियों को गोल्डबर्ग थोड़ा सीरियस ले लिए। शायद इसी वजह से गोल्डबर्ग और मैट रिडल का आमना सामना नहीं हुआ। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान में कंपनी के शक्तिशाली रेसलर फिंड को हराने वाले भी गोल्डबर्ग ही थे। गोल्डबर्ग ने फिंड को हराकर उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हथिया लिया था। ऐसे में गोल्डबर्ग इस साल रॉयल रंबल में वापसी करके कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। अगर गोल्डबर्ग रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो रेसलमानिया में वह एक चैंपियनशिप मैच लड़ सकते हैं। अभी रॉयल रंबल होने में बहुत टाइम है, हो सकता है तब तक चैंपियनशिप फिंड के पास भी चली जाए, या फिर अगर फिंड के पास चैंपियनशिप नहीं जाती है तो गोल्डबर्ग के पास और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। उनमें से एक रोमन रीन्स भी है, क्योंकि रोमन रीन्स ऐसे रेसलर है दोस्तों जिनका गोल्डबर्ग के साथ मुकाबला होना था। यह बात रेसलमानिया 36 की है जहाँ रोमन रीन्स ने मैच छोड़ दिया था। रोमन की जगह ब्रॉन स्ट्रोमन ने आकर गोल्डबर्ग से उनकी चैंपियनशिप हथिया ली थी। ऐसे में गोल्डबर्ग रॉयल रंबल 2021 जीत कर इस बार रोमन रीन्स की यूनिवर्सल चैंपियनशिप हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। कीथ ली। लिमिटलेस कीथ ली साल 2020 के रॉयल रंबल मैच में ब्रॉक लेसनर के सामने आकर चौड़े हो गए थे। आज भी यह बात फैंस नहीं भूले होंगे। पिछले साल सर्वाइवर सीरीज के बाद भी कीथ ली को एकदम से हाइप दिया गया था। WWE के बड़े अधिकारियों को कीथ ली ने अपने काम से काफी प्रभावित किया। बाद में इनकी झड़प वाइपर के साथ भी हुई थी। जब यह NXT में थे तो तब इन्होंने NXT चैंपियनशिप को हासिल किया था और समर स्लैम के बाद इस साल मेन रोस्टर में इनका डेब्यू करवाया गया। अभी रॉ में इनके काम को देखा जाए तो वह एक नंबर का है और सर्वाइवर सीरीज में टीम रॉ का भी इन्हें हिस्सा बनाया गया था। इस साल रॉयल रंबल 2021 में कीथ ली कोई बड़ा कारनामा कर सकते हैं। अभी तक कीथ ली का पूरा हिसाब किताब देखा जाए तो पूरी तरीके से लग रहा है कि कंपनी वाले कीथ ली को दे सकते हैं। रॉयल रंबल जीतने के बाद कीथ ली कोई बड़ी चैंपियनशिप पर हाथ साफ कर डाले, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिगी। बिगी लंबे समय से कंपनी के वफादार रहे। ये आजकल के रेसलर नहीं, बहुत पुराने समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। साल 2020 ड्राफ्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज न्यू डे का अलग होना ही था, क्योंकि बिगी को अलग कर दिया था। कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स रॉ में और बिगी स्मैकडाउन में है। साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी वाले बिगी के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। बिगी काफी बलशाली
भी हैं, ऐसे में उन्हें टॉप सिंगल सुपरस्टार बनाया जा सकता है। बिगी एनएक्सटी में भी चैंपियन रह चुके हैं और मेन रोस्टर में न्यू डे के साथ मिलकर बिगी ने कई जबरदस्त काम भी किए हुए हैं। ऐसे में इन्हें रॉयल रंबल 2021 जितवाकर कुछ बड़े कांडों को अंजाम दिया जा सकता है। WWE वाले कभी घाटे का सौदा नहीं करते और बिगी उन्हें फायदा जरूर पहुंचाएंगे। डेडमैन अंडरटेकर मौत के सौदागर सर्वाइवर सीरीज 2020 में रिटायर कर दिए गए हैं, पर यह कोई नई बात नहीं है। अंडरटेकर को कई बार रिटायर किया जा चुका है, पर हर बार मौत के सौदागर रिंग में ज्यों के त्यों खड़े नजर आते हैं। अंडरटेकर के कई दुश्मन अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें द फिंड ब्रे वायट और सबसे बड़ा नाम तो द आइकन स्टिंग का है। अगर रॉयल रंबल से पहले कोई डेडमैन को चैलेंज कर देता है और उनके बारे में अपशब्द कह देता है, और अगर वह कोई WWE चैंपियन हो या फिर यूनिवर्सल चैंपियन, तो उसके बाद रॉयल रंबल 2021 में डेडमैन जरूर आ जाएंगे। TLC तक अगर आइकन स्टिंग आकर किसी की चैंपियनशिप को हथिया लें या फिर फिंड ब्रे वायट चैंपियनशिप जीतने के बाद अंडरटेकर को बुरा भला कहें, तो ऐसे में डेडमैन अंडरटेकर को किसी भी कीमत में रॉयल रंबल में आकर रॉयल रंबल 2021 को जीतना ही पड़ेगा। डेडमैन अभी भी इतनी क्षमता तो रखते ही है दोस्तों कि बड़े आराम से रॉयल रंबल जैसे मुकाबले जीत जाएं, उन्हें ज्यादा तकलीफ न हो, ऐसे में उन्हें लास्ट में भी रिंग में भेजा जा सकता है। और रेसलमानिया 37 हॉलीवुड में डेडमैन का उपयोग करके कंपनी वालों के पास मुनाफा कमाने की बहुत अच्छी स्कीम हो जाएगी। समोआ जो कंधे में तौलिया डाले, समोआ जो जब रिंग में आते थे तो अच्छे अच्छे हिल जाते थे। समोअन फैमिली की जो स्टोरी लाइन हाल ही में चल रही थी, वह टीवी की बेस्ट स्टोरी लाइन्स में से एक थी। अगर रेसलमानिया 37 हॉलीवुड में द रॉक रोमन रीन्स का सामना करने नहीं आ पाते हैं किसी कारण की वजह से, तो समोआ जो का उपयोग भी किया जा सकता है। 2 बार NXT चैंपियनशिप जीतने वाले समोआ जो कंपनी के काफी वफादार है और बढ़िया काम भी कर रहे हैं। कंपनी वालों ने कई बार उन्हें हाइप भी किया था, पर उन्हें कुछ बड़े टाइटल प्राप्त नहीं हुए। बाद में वह चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वह ज्यादा रिंग में नजर नहीं आए, पर वफादारी के चलते कंपनी वालों ने उन्हें कमेंट्री का हिस्सा बना लिया। अब तक तो वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए होंगे और कंपनी वाले इन्हें इस साल का रॉयल रंबल 2021 जितवाकर रेसलमानिया में रोमन रीन्स के सामने खड़ा कर सकते हैं। द रॉक हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर द रॉक अब रिंग में नजर नहीं आते, पर इसका यह मतलब नहीं होता कि रोमन रीन्स द रॉक से भी शक्तिशाली हो गए हैं और ट्रिबल चीफ हो गए हैं। रोमन की ट्रिबल चीफ वाली स्टोरी लाइन को फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। रोमन ने जब जे उसो की बुरी तरीके से धुनाई की थी, तो उस दौरान द रॉक ने सोशल मीडिया पर रोमन को हड़काया भी था। ऐसे में द रॉक इस साल 2021 का रॉयल रंबल जीतकर रोमन रीन्स से बेल्ट हथिया सकते हैं। ऐसा होने की प्रबल संभावना इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि द रॉक हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर हैं। अगर कंपनी वाले रेसलमानिया 37 जो कि हॉलीवुड में ही हो रहा है, वहां द रॉक को जितवा देते हैं, तो खूब मुनाफा कमाएंगे। कंपनी वाले कभी घाटे का सौदा नहीं करते, ऐसे में वह रॉयल रंबल 2021 में रॉक को जरूर उतारेंगे और द रॉक वहां जीत भी सकते हैं। द आयकन स्टिंग, स्कॉर्पियन स्टिंग और डेडमैन के बीच मुकाबले को लेकर समय समय पर कई अफवाहें उड़ती ही रहती हैं। स्टिंग ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिनके साथ मुकाबले करने को लेकर फिंड ने भी कई बार सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। मौत के सौदागर डेडमैन अंडरटेकर के इस सर्वाइवर सीरीज में रिटायरमेंट को लेकर कई रेसलर्स ने उन्हें बधाई दी, पर स्टिंग ने कुछ नहीं कहा, साथ ही फिंड ने भी कुछ नहीं कहा। ऐसे में स्कॉर्पियन स्टिंग कुछ बड़ा कांड कर सकते हैं। स्टिंग आज भी इतनी क्षमता रखते हैं कि वह रॉयल रंबल अकेले दम पर जीत सकते हैं। उनके पास कई खतरनाक दांव पेच हैं, साथ ही काले रंग का बेसबॉल बैट भी स्टिंग लाते हैं। अगर रॉयल रंबल 2021 स्टिंग जीत जाते हैं, तो बहुत बड़ा कांड वह कर सकते हैं। स्टिंग कंपनी के मालिक से यह मांग रख सकते हैं कि उन्हें रिटायर्ड डेडमैन के साथ मुकाबला करना है और रॉयल रंबल
एग्जांपल जीतने वाला सीधे रेसलमानिया में मैच ले ही लेता है। स्टिंग चाहे तो चैंपियनशिप मैच भी लड़ सकते हैं। रेसलमानिया 37 से पहले कोई बहुत बड़ा खतरनाक रेसलर डेडमैन अंडरटेकर को चैलेंज करेगा, इस बात को लेकर बहुत सारी अफवाह फैली हुई है। अगर तब तक हालात बदल जाते हैं और कोई चैंपियनशिप को फिंड हथिया भी लेते हैं तो स्टिंग रेसलमानिया 37 में फिंड के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में रॉयल रंबल 2021 बेहद ही खास रहने वाला है दोस्तों। वहां पर पूरी संभावना बन रही है कि आइकन स्टिंग का रिटर्न हो जाए। आप लोगों के हिसाब से कौन कौन से ऐसे रेसलर्स हैं दोस्तों जो रॉयल रंबल 2021 को जीत सकते हैं? आप लोगों के हिसाब से कौन से ऐसे रेसलर हैं जो रॉयल रंबल 2021 लड़ने आएंगे? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।